हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के अंदर दिखाऊंगा कैसे आप किसी भी फोटो का कैसे एक अच्छा सा एक येलो एंड जो स्काई के कलर ग्रेडिंग होती है वो आप आसानी से कर पाओगे। एक फोटो तो ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग पे आपको आफ्टर एंड बिफोर वाला जो फोटो है वो आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में वो सारे कुछ चीज़ों के बारे में गाइड करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे कैसे ये स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा और जो करने के बाद इस तरह से आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाके आपको सारे कुछ चीजें फोटोशॉप के अंदर दिखा दूंगा। तो चलिए मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका हूँ। सिंपली ये वाला फोटो देख सकते हो, यही वाला फोटो का मैं कलर ग्रेड के साथ साथ जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड का अच्छा सा एक एडिटिंग करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको पूरा पूरा देखना होगा। और ये जो फोटो मैंने शूट किया ना, ये मैं कल एक ब्लॉग शूट की थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके वो ब्लॉग को देख सकते हो। वहां पे बहुत सारा फोटोज मैंने क्लिक की थी और जो एडिट करने के बाद उसका प्रीव्यू वगैरह उस वीडियो में सब कुछ दिखाया। जो वीडियो का आपको रिक्वेस्ट चाहिए, मतलब जो फोटो के ऊपर एडिटिंग करना आपका रिक्वेस्ट करना है, वो मेरे को कमेंट के लिख देना कौन सा फोटो का मतलब आप फोटो एडिटिंग देखना चाहते हो, तो उसका वीडियो डेडिकेटली लेके आ जाऊंगा। अभी देखो, पहले ये जो फोटो है ना, अभी यहाँ पे करना क्या होगा, अभी ये जो बैकग्राउंड है राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लो कुछ इसी प्रकार से। मैंने बना लिया डुप्लीकेट लेयर। अभी इस वाला डुप्लीकेट लेयर के ऊपर काम है। तो सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर तो मैंने बना लिया, लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना ताकि बाद में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको आप मैन्युअली चेंजेस कर सकते हो। अभी इस वाला जो बैकग्राउंड कॉपी है, यही लेयर के ऊपर फिल्टर पे जाके आपको कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पे फोटो उतना परफेक्ट नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसको मैं एडजस्ट वगैरह करूँगा। तो सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर होगा वो कर दूंगा -5 के आसपास, और इसका जो टिंट होगा इसको +5 के आसपास। फोटो को पहला सेटिंग से ही होगा। यहाँ पे एक्सपोजियर देखो, फोटो का एक्सपोजियर थोड़ी सी ज़्यादा है तो -0.10 के आसपास कर दूंगा। अब यहाँ से कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी कमी है इस फोटो के ऊपर, तो कॉन्ट्रास्ट को नियर अबाउट 25 के आसपास मैं इस फोटो पे इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी यहाँ से हाईलाइट्स को भी थोड़ी सी लिटिल बिट चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा। देखो हाईलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 20 के आसपास हाईलाइट्स को घटा रहा हूँ। और यहाँ से शैडोज आपको मिलेगा। शैडोज का करना क्या होगा, शैडोज आपको देख सकते हो, शैडोज थोड़ा सा लिटिल बिट -5 के आसपास यहाँ पे मैं डिक्रीज करने वाला हूँ। यहाँ से व्हाइट्स को लिटिल बिट इंक्रीज करने वाला हूँ 10 के आसपास, और यहाँ से जो ब्लैक होगा ना इसको डिक्रीज करना -15 के आसपास नियर अबाउट। मेरे इस फोटो के मुताबिक मेरा परफेक्ट सेटिंग्स यही लग रही है। आप अपने फोटो में फोटो के मुताबिक इधर उधर करके देख लेना। अभी यहाँ से मैं थोड़ी सी इंक्रीज करने वाला हूँ क्लियरिटी नियर अबाउट 10 के आसपास, और यहाँ से दहेज को भी 10 के आसपास इंक्रीज करने वाला हूँ। और यहाँ से वाइब्रेंस लिटिल बिट इस फोटो के ऊपर ऐड करने वाला हूँ 25 के आसपास। और सिंपली यहाँ पे इतना तक मैं कलर ग्रेड करने वाला हूँ। अभी कलर ग्रेड हो जाने के बाद सिंपली कर दूंगा यहाँ से ओके। अभी देखो फोटो पे थोड़ा सा एडिटिंग होने के बाद यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई हो चुकी है। सिंपली मैं यहाँ पे जो यहाँ पे लेयर अप्लाई करने वाला हूँ वो है चैनल मिक्सर। तो चलिए मैं यहाँ से चैनल मिक्सर टैब को ओपन कर लिया कुछ इस प्रकार से। अभी इस चैनल मिक्सर के ऊपर काम है। तो सबसे पहले यहाँ से जो रेड मिलेगा इस रेड को कर लीजिएगा 50। आपको कुछ फोटो इस तरह से दिख रहा है, एक चीज़ नोटिस करना, जो स्काई है वो थोड़ी सी या जो ब्लू टाइप का हो चुकी है। आपको ग्रीन को कर लेना है 100। अभी 100 करने के बाद अलग टाइप का लग रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। -100 कर दो यहाँ से ब्लू को और सिंपली यहाँ से क्रॉस कर दो। ये वाला लेयर अप्लाई हुआ है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ से इसका फेस वगैरह जो है ना, फेस वगैरह उतना मतलब परफेक्टली यहाँ पे ले नहीं पाया है, तो इसलिए इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो मास्क है यही आपका सिलेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्टेड रखना है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो मास्क है व्हाइट कलर है, तो सिंपली आपको ब्लैक कलर का फोरग्राउंड ले लेना है और ब्रश को सिलेक्ट करते हुए धीरे धीरे करके कुछ इस प्रकार से ब्रश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइम देके देखे पूरा ब्रश कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें वगैरह दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने पूरा जो बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर कलर अप्लाई किया, मतलब स्किन के ऊपर से, और जो पेड़ दो पेड़ यहाँ पर मेरे पास दिख रही है वो दोनों से मैं हटा लिया जो कलर, और पहले जैसा कलर यहाँ पे आ चुका है। अभी देखो ये चैनल मिक्सर से ओनली ये जो बैकग्राउंड के साथ साथ कुछ ड्रेस के ऊपर जो लाइट फ्लेक वाला यहाँ पे इफेक्ट आया है,
तो सिंपली आपको कुछ इस तरह से आउटपुट पहले मिल जाएगा। अभी आपको करना क्या होगा, अभी यहाँ से सबसे पहले पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से सब्जेक्ट के साथ साथ ये दो पेड़ है ना, इन दोनों को मेरे को सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को सिलेक्शन पहले कर लेता हूँ और उसके बाद परफेक्ट सेटिंग्स वगैरह कैसे आप अप्लाई कर पाओगे उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से पूरा मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ, जो मेन सब्जेक्ट के साथ साथ दो यहाँ पे पेड़ है उनका सिलेक्शन कर चुका हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल जे दबाऊंगा तो एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा, आप देख सकते हो। या आप एक काम कर लो, यहाँ पे चैनल मिक्सर के ऊपर मेरा सिलेक्टेड था, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर काम करूंगा, कंट्रोल जे दबाऊंगा तो एक डुप्लीकेट लेयर कुछ इसी प्रकार से बन जाएगा, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वो क्या है, डुप्लीकेट लेयर बनाने से पहले आप एक काम कर लेना, इसको मार्च कर लेना इस फोटो के ऊपर, तभी आपका बढ़िया से बढ़िया आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ये वाला लेयर मैं बंद कर दूँ तो दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस तरह से डुप्लीकेट लेयर लेके पहले कंट्रोल ई दबा के मार्च डाउन कर लो। कैसे करना है, इसको एक डुप्लीकेट लेयर बना लो सबसे पहले और कंट्रोल ई दबा के इसके ऊपर मार्च डाउन करो और इस बैक के अंदर ले आके कंट्रोल ई दबाओ, मतलब दोनों के ऊपर ही ये अप्लाई हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मेरा यहाँ पे हो चुकी है। अभी आपको करना क्या होगा, अभी मेरा देखो ये जो है ये मेन फोटो बदल चुकी है और ये जो है ये बैकग्राउंड के लिए हो चुकी है। आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो बैकग्राउंड कॉपी है इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबाते हुए लेयर वन को क्लिक करना है तो अगेन ये सिलेक्शन आ जाएगा। आपको सिंपली सिलेक्ट पे जाना है, मॉडिफाई पे जाना है और एक्सपांड कर लेना है 20 पिक्सल्स के आसपास। अभी देखो मेरा 20 पिक्सल्स के आसपास सिलेक्शन एक्सपांड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन इंक्रीज हो चुकी है। आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाके कंटेंट अवेयर फील आपको अप्लाई कर देना है। जैसे मैं यहाँ से अब कंटेंट अवेयर फील अप्लाई कर रहा हूँ, देख ही सकते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा बैकग्राउंड से मेन फोटो को रिमूव करने के लिए। मेरा यहाँ पे देखो रिमूवेशन कंप्लीट नियर अबाउट हो ही चुकी है, आपको सिंपली यहाँ से हिट कर देना है ओके के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैं मेन फोटो को अगर ऑफ करता हूँ तो ये वाला लेयर मेरा बन चुकी है, सिंपली कंट्रोल ई दबा के मार्च डाउन कर लो, ये बन चुकी है बैकग्राउंड, सिंपली कंट्रोल डी दबा देना जो सिलेक्शन था हट जाएगा और ये है मेन फोटो। सिंपली आपको बैकग्राउंड के ऊपर करना क्या होगा, आप देखो मेन फोटो मेरा कुछ इस प्रकार से है और बैकग्राउंड के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा ब्लर, तो मैं फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लर गैलरी, यहाँ से टिंट शिफ्ट। आपको टिंट शिफ्ट क्या करना होगा, मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ देखिए इसको पूरा नीचे ले आइए, पूरा नीचे ले आइए कुछ इसी प्रकार से और यहाँ से ब्लर को लिटिल बिट इंक्रीज करते रहना, नियर अबाउट 50 to 55 के आसपास। देखो 50 के आसपास मेरा परफेक्ट लग रही है। अब सिंपली आप लाइट बोके वगैरह यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंक्रीज नहीं करने वाला हूँ, सिंपली मैं ओके पे हिट किया तो थोड़ा सा टाइम के अंदर इसका जो ब्लर है वो अप्लाई हो जाएगा परफेक्टली। आपका देख सकते हो ब्लर इस तरह से अप्लाई हो जाने के बाद अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर काम है। तो सबसे पहले क्या काम होगा, अभी एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सबसे पहले एक सिलेक्टिव कलर वाली लेयर लो जिसका ब्लैक को चूज करो और ब्लैक का जो ब्लैक होगा वो +10 के आसपास इंक्रीज कर लो ताकि परफेक्ट सा एक कलर आ जाए। अब ब्लैक से जाओ नेचुरल के ऊपर, नेचुरल का जो ब्लैक होगा वो भी 10 के आसपास इंक्रीज करके क्रॉस कर दो। अभी ये वाला लेयर से एक परफेक्ट सा कलर आ चुकी है, इसको सबसे ऊपर ले आना तभी परफेक्ट सा लुक आपको मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से आया है। अभी अगेन ले लेना आप सिलेक्टिव कलर, जहां से आपका यहाँ से जो सबसे पहले यहाँ से रेड को चूज कर लेना, इसका जो ब्लैक होगा फुली -100 करके क्रॉस कर दो। अब इसको ओनली स्किन के ऊपर अप्लाई करना है तो इसका जो लेयर स्टाइल ओपन करो, ये जो ब्लैंक जगह पे डबल क्लिक करते हुए और ऑल्ट दबाते हुए अंडरलाइन लेयर का जो ब्लैक होगा 130 के आसपास इंक्रीज करके ओके कर दो। अभी इसका मास्क देखो, ये अप्लाई ओनली होगा ही रेड के ऊपर, जहां जहां पे रेड होगा, मेरा अदर जगह पे भी अप्लाई हुआ है तो मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूंगा। चलिए कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट कर लिया। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा और फोरग्राउंड कलर मेरा व्हाइट रहेगा क्योंकि जो मास्क का कलर है वो ब्लैक है। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रश कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप भी अपना स्किन अगर थोड़ी सी रेडिश टाइप का है या थोड़ी सी आप वहाँ पे गोरापन लाना चाहते हो तो वहाँ पे कुछ इसी प्रकार से ब्रश कर लेना। मैं थोड़ा सा टाइम देके पूरा इस तरह से ब्रश कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मेरा ब्रश कंप्लीट हो चुकी है। अभी फोटो के ऊपर करना क्या होगा, आप एक व्हाइट कलर अप्लाई कर सकते हो, सॉलिड कलर जिसका कलर होगा व्हाइट और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड कर लो सॉफ्ट लाइट, जिसको मैं इस फेस के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ तो इसका मास्क कंट्रोल आई दबाते इन्वर्ट करता हूँ क्योंकि पूरा फोटो के ऊपर अप्लाई हो गया था। अभी धीरे धीरे करके कुछ इसी प्रकार से पूरा स्किन के ऊपर इस तरह से ब्रश कर लेता हूँ और ब्रश कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपका परफेक्ट स्किन टोन ले पाएगा आपका स्किन के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हो मैंने यहाँ से व्हाइट कलर अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा व्हाइट लग रही है,
तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसके लेयर स्टाइल अगेन ओपन करना होगा। आपको तो पता है लेयर स्टाइल कैसे ओपन करते हैं, इसका आपको ये जो लेयर का जो ब्लैंक साइड है राइट साइड पे, वहाँ पे डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। अभी ये ऑल्ट दबाते हुए अंडरलाइन लेयर को मैं 130 के आसपास कर रहा हूँ कुछ इसी प्रकार से, और ओके करता हूँ तो ये परफेक्टली अप्लाई होगा सबसे पहले। अभी आपको इसका अगर ज़्यादा व्हाइट हो रही है तो आप 50 के आसपास कर दो सबसे पहले ओपेसिटी को, और थोड़ा सा इंक्रीज करके करके देखो, जहाँ पे आपका परफेक्ट लुक आएगा वहीं पे आप छोड़ देना। अभी देखो मेरे फोटो पे कुछ इतना तक मेरा परफेक्ट लग रही है। अभी यहाँ पे देखो स्किन उतना परफेक्ट नहीं लग रही है, स्किन के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे जो ब्लर ब्लर टाइप के थोड़ी सी यहाँ पे होके रखा है, थोड़ी सी जो डस्टी टाइप का कलर्स वगैरह सारे कुछ यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली आपको करना क्या होगा, सारे को ग्रुप बनाओ, शिफ्ट दबाते हुए सारे को सिलेक्ट कर लो, ग्रुप बनाओ, और या फिर तो कंट्रोल दबा के कर सकते हो और कंट्रोल जी दबा के इसको ग्रुप बना लेना। अभी फोटो पहले जब जो फोटो था कुछ इस तरह का, और एडिट करने के बाद नियर अबाउट कुछ इतना तक आया है, लेकिन स्किन के ऊपर काम है, तो सिंपली यहाँ से ग्रुप को कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट किया। अभी कंट्रोल ई दबाते हुए ग्रुप को मार्ज करके एक नॉर्मल सी फोटो पे बदल दिया, जिसके ऊपर मैं ब्लर अप्लाई करने वाला हूँ। आप नॉर्मली ब्लर अप्लाई कर सकते हो, एक काम और एक कर सकते हो, जो मिक्सर ब्रश टूल होती है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया सा आपका लुक इस तरह से लेके आ जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो कलर है वो यहाँ पे आ जाती है। सिंपली आपको वही आपको देख लेना है, यहाँ पे क्लीन ब्रश अप्लाई कर लेना सबसे पहले, और क्लीन ब्रश करने के बाद देखो इस तरह से परफेक्टली आप ब्रश करते रहोगे तो यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया तरह का आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा देखो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मली ब्लर अप्लाई कर, अगर बिगिनर हो तो नॉर्मली ब्लर अप्लाई कर देना, तो वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया आपको आउटपुट आ जाएगा, देख ही सकते हो। अभी सिंपली आपको करना क्या होगा, देखो अभी मैं यहाँ से सबसे पहले फिल्टर पे जाऊँगा हिल एयर के ऊपर ब्लर, और यहाँ से गॉसन ब्लर। अभी ब्लर का जो अमाउंट होगा वो 5 के आसपास परफेक्ट लगेगा मेरे इस फोटो के मुताबिक, मैं यहाँ पे नियर अबाउट 3-5 के आसपास देख लूँगा। अगर और भी ज़्यादा चाहिए तो पहले आप 10 के आसपास डाल देना, और 10 के आसपास डालने से पहले एक डुप्लीकेट लेयर बना के रखना कंट्रोल जे दबाते हुए, ताकि ऊपर वाला लेयर को सबसे पहले हाई पास डालोगे और नीचे वाला लेयर को ब्लर। जैसे कि दिखाता हूँ, फिल्टर पे जाता हूँ, ब्लर, और जैसे गॉसन ब्लर अप्लाई करता हूँ, गॉसन ब्लर 10 के आसपास डालता हूँ और सिंपली यहाँ पे ओके कर दूंगा। सिंपली देखो मैं यहाँ से ओके कर दिया। अभी ये वाला लेयर देखो ब्लर, और ये वाला लेयर के ऊपर हाई पास अप्लाई करने वाला हूँ, फिल्टर अदर एंड हाई पास। सिंपली हाई पास का जो अमाउंट होगा 1 के आसपास डाल के ओके करो, और इसका ब्लेंडिंग मोड को कर लो विविड लाइट। आपका स्किन कुछ इस प्रकार से आएगा, अगर ज़्यादा आपका कुछ इसी प्रकार से हो रही है तो इसका जो हाई पास का जो ओपेसिटी होगा वो थोड़ा सा घटा देना नियर अबाउट कुछ इसी प्रकार से, और ब्लर के ऊपर एक मास्क लेना, और मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करके आपको धीरे धीरे करके ब्रश करना है स्किन के ऊपर। तो आपको धीरे धीरे करके पूरा ब्रश करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको परफेक्टली समझाऊंगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हो ब्लर मैंने अप्लाई कर लिया, अभी देखो परफेक्ट सा आउटपुट यहाँ पे लग रही है। आपको सिंपली इन दोनों को आपको सिलेक्ट करके इस ग्रुप के अंदर डाल देना है। देखो मैं ग्रुप को बड़ा करता हूँ सबसे पहले आरो पे क्लिक करके, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए इस ग्रुप के ऊपर डालता हूँ। अभी देखो फोटो पहले कुछ इस तरह का था, और एडिट करने के बाद मेरे को कुछ इस तरह का आउटपुट मिला। अभी एक काम और एक कर सकते हो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो, 10 ब्राइटनेस आप डाल सकते हो, और इसे 10 कंट्रास्ट डाल देना तो बढ़िया से कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस ऐड हो जाएगा। अभी एक काम कर लेना, कलर बैलेंस ऐड कर लेना, जिसका हाईलाइट्स पे जाना, ब्लू को नियर अबाउट 5 के आसपास इंक्रीज करना, मैजेंटा को नियर अबाउट -5, और यहाँ से जो रेड के साइड पे आप रख सकते हो, या चाहो तो आपको क्यान के साइड पे -5 कर सकते हो। और करने के बाद देखो कलर जो है वो परफेक्टली यहाँ से हाईलाइट कर चुकी है। अगर ओवरऑल फोटो के ऊपर आप बोकिया इफेक्ट डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे, इन दोनों को सिलेक्ट करके चलिए मैं ग्रुप के अंदर डालता हूँ, और अगेन डुप्लीकेट लिया लेता हूँ ग्रुप का, कंट्रोल जे दबाते और कंट्रोल ई दबाते उसको मार्ज किया। अभी फिल्टर पे जाके यहाँ पे अगेन जाऊँगा कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, और इस कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर मैं सिंपली एक ही चीज़ अप्लाई करूँगा इफेक्ट पे जाके, वेगनेट मोड, और वेगनेट अमाउंट 50 के आसपास डाल के आप सिंपली ओके कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखो वेगनेट मोड अप्लाई होने के बाद कितना बढ़िया लग रही है फोटो, तो देख सकते हो कितना परफेक्ट फोटो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक जो था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज का जो एडिटिंग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नया को किस तरह से एडिटिंग के साथ, नया को किस तरह से ट्यूटोरियल वगैरह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।